घर तो एकदम खाली है, लगता नहीं यहाँ कोई रहता है। लगता तो कुछ ऐसे ही है, लेकिन मेरे दिमाग में दो सवाल उठ रहे हैं। पहला तो ये कि अगर इस घर में कुछ नहीं तो वो लड़की यहाँ क्या करने आ रही है, और दूसरा ये कि अगर इस घर में कुछ नहीं तो उस लड़की को इस घर में घुसते हुए इतनी बेरहमी से गोली क्यों मारी गई। इसलिए हो ना हो, इस घर में जरूर कोई ऐसी चीज है जिसके लिए उसे मारा गया, ताकि वो अपना मुंह ना खोले सर। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं तो कहता हूं यहां मिली एक माचिस की तीली भी हमारे लिए बेशकीमती सुराग है। घर का कोना कोना छान। अलग आवाज आ रही है, शायद नीचे कुछ। माचिस की तीली। माचिस की तीली नहीं, ये तो पूरा का पूरा माचिस का डब्बा है। चलो खो। ये तो क्रेडिट कार्ड बनाने के पेपर्स है। ये देखिए विजिटिंग कार्ड, ये स्टैम्प और ये फोटो और ये सारे डॉक्यूमेंट्स, वो भी एक ही लड़की के। ये पेपर्स तो एक ही लड़की के नाम के हैं। कितने बैंकों से पैसा लिया होगा इस लड़की ने। यहाँ देखो, हाई एंड टेक्नोलॉजी की प्रिंटिंग मशीन, जब मर्जी छापो, जो चाहे छापो। क्या क्या नहीं है इन लोगों के पास, ये सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी कार्ड्स पर उस लड़की की तस्वीर का होना इस बात को साफ करता है कि उन लोगों को उस लड़की को मारना कितना जरूरी था। पर सर, उन लोगों को कैसे पता चला कि वो लड़की फंसने वाली है? हमारे अलावा और कौन जानता था ये बात? उसे मालूम था जिसे पता था कि हम यहाँ आने वाले। कौन सर? एक ही आदमी। एक ही आदमी।